हूँ अर्जुन सुथार, तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो यार यहाँ पे एक टोयोटा की गाड़ी खड़ी है, एक तरफ खड़ी है टाटा। तो अब अपन टेस्ट करने वाले हैं द टाटा ऑल्ट्रोज का भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन क्या है कि यार ये गाड़ी चलाने में कैसी मजा आता है, नहीं आता यार, ब्रेक कैसे है, गाड़ी चलने में कैसी है, सारी चीज की बात करने वाले हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ। तो भाई जब अंदर बैठने की बात करें तो यहाँ देखो यार, दरवाजा देखो भाई यार, जब आपने पूरा खोल दिया ना तो आप अंदर बैठ के आप उसके दरवाजे को बंद नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म है। ऊपर से टाटा का दरवाजा है यार, मजबूती इतना है, वेट इतना है, इसको खींच के ऐसे लाना पड़ता है, ये बात है। ठीक है, इसकी चाबी को रखते हैं और इसमें मिलता है पुश स्टार्ट बटन, मतलब कीलेस एंट्री मिल जाती है। यहाँ देखिए, अब करते हैं स्टार्टिंग की, ये गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। एसी में है गाड़ी, ये देख लो दबाया। तो भाई अब इसको स्टार्ट किया है, इनिशियल देखा जाए आवाज कितनी है। देखिए गाड़ी नॉन एसी है, बहुत माइनर जो इंजन नॉइज होती है ना वो आ रही है अंदर, ज्यादा कोई इंजन नॉइज नहीं। अब एसी को करते हैं स्टार्ट, तो फैन नॉइज तो आ ही रही है उसी के साथ ही, हल्का फुल्का इंजन नॉइज आती है इसमें, पर एज कम्पेयर टू फेस वन या फिर कहो इनिशियल जो गाड़ियां आती थी उसके कंपेयर में इसमें आवाज बहुत कम आ रही है, ठीक है। यह होना ठीक है, अब लगाते हैं इसका सीट बेल्ट और चेक करते हैं एक्चुअल में ये गाड़ी चलती कैसी है। पांच जने बैठे हैं अंदर, 1 2 और तीन जने पीछे बैठे हैं उसके साथ में, ये गाड़ी कैसी चलती है। अब लगाते हैं इसका रिवर्स, क्या चीज, स्टीयरिंग बहुत लाइट है भाई, बहुत लाइट है, इतना लाइट काश मेरी गाड़ी में होता है यार, इतना लाइट। क्लच का रिस्पॉन्स, अच्छा मोड़ने पे मुड़ जाएगी ये गाड़ी, अच्छा इतनी ऑटोमेटिक टाटा गाड़ियां बनाने लग गई अब है ना। टेस्ला है, टेस्ला। देखो स्टीयरिंग ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आता है, बस स्लोली स्लोली आता है। अब इसका एक बार स्टीयरिंग रोटेशन चेक करते हैं, गाड़ी एक साइड को घुमाई यार, वो फील नहीं है। देखिए मैं स्टीयरिंग को अगर रोटेट करके देखें इस साइड में, स्टीयरिंग बहुत लाइट है पर अपनी जगह पे आने में टाइम लेता है। ओके ओके है, उतना फीडबैक नहीं मिल पाता। अब देखिए सीधी चला रहे हैं अपन, फर्स्ट गियर में अगर अगर अपन बात करें खींचने की, 2000 RPM है, शोर मचाती है यार, ज्यादा हायर RPM से हायर रेव्स पे शोर बहुत ज्यादा मचाती है। सेकंड गियर में 40 की स्पीड, थर्ड गियर में है और गाड़ी 40-50 की स्पीड पे है। अब ब्रेक को एक बार टेस्ट करते हैं भाई साहब, ब्रेकिंग ओके ओके बोलूंगा भाई, देखिए भाई ब्रेक अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। 7-7 सालों की धड़कन तेज हो गई, पीछे देख के लगाया, लेकिन टाटा पे टाटा पे कोई अपनी नफरत नहीं है, लेकिन यार ये मेरे को, मैं रियली बताऊं ना क्या फर्क मेरे को फील क्या हुआ। अब इसमें एक चीज तो बहुत बढ़िया लगी कि गाड़ी तब से मस्त नहीं हुई, एकदम अपनी जगह पे रुकी, और उसके साथ ही गाड़ी मतलब वो होता है ना ABS का जो गाड़ी के टायरों में घिसावट वगैरह होना या गाड़ी इस तरीके से फील नहीं हो रही, लेकिन इसके ब्रेक एकदम से लग रहे हैं, लेकिन जो भारी वेट की वजह से गाड़ी स्लोली स्लोली करके रुकती है, उतना नहीं कि एकदम से क्विक झटका मार के वहीं खड़ी हो जाए, वो वाली चीज नहीं होती। ठीक है, अब फर्स्ट गियर में चलाते हैं। गाड़ी का पिकअप वाइज मेरे को अच्छी लगी ये, पर्सनली अगर मैं बताऊं ना ग्लेंजा से कंपेयर करके इसका मेरे को पिकअप उससे ज्यादा लगा है भाई, इस ग्लेंजा से ज्यादा है इसका पिकअप भाई, ये भारतीय ग्लेंजा से ज्यादा है मेरे को जहां तक फील हो रहा है। देखिए कांटा देखिए आप, जिस स्पीड से ये पिकअप स्पीड पकड़ रही है, देखिए 60 की स्पीड है और ग्रिप बेमिसाल मिल रही है इसमें, कॉर्नरिंग एंड अब मेरे को टर्न करना है यहाँ पे, देखिए तो बात करूं तो फील गुड फैक्टर है गाड़ी की, कंट्रोलिंग है ना भाई मेरे को बहुत मस्त लगी इसमें, मेरी गाड़ी से भी अच्छी लगी इसकी मेरे को कंट्रोलिंग, पर स्टीयरिंग पता नहीं क्या है कि इतना मेरे को मजा नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा, जब टर्न करते हैं तब वापस ऐसे स्ट्रेट रोड पे देखा जाए तो अच्छी है, पर यार गाड़ी लेफ्ट साइड में जा रही है भाई, इसका क्या अलाइनमेंट में कोई इशू है, ये बातचीत है। तो ब्रेक लगा के देखा, गाड़ी को भगा के देखा और उसके साथ ही गाड़ी को चला के देखा भाई। अब देखिए वापस से इसका पिकअप पिक ट्राई करते हैं यार, एक चीज मेरे को बहुत बेकार लगी इसमें वो है वाइब्रेशन, जब अपन पहले गियर में दूसरे गियर में उठाते हैं तब ये जो डैशबोर्ड है
यहाँ से वाइब्रेशन आती है यार, यहाँ ये जगह वाइब्रेट करती है। अंदर देखें अगर कुछ पड़ा तो नहीं है यार, बिल्कुल एम्प्टी है यार, बिल्कुल खाली है, फिर भी इतनी आवाज करता है ये चीज। देखिए देखिए, स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन फील होती है, जो नीचे के पैडल्स है इसमें और गियर पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए ये चीज फील होती है इस गाड़ी में। जो कमियां है वो ये है, पॉजिटिव क्या है कि गाड़ी बहुत मस्त चलती है यार, पावर बहुत अच्छी है गाड़ी हाईवे पे, और कंट्रोल और स्लो स्पीड में घुमाने में मजा आता है। लेकिन वो क्विक वापस स्टीयरिंग आता है ना, वो चीज नहीं मिलती, स्टीयरिंग ऑटो रोटेशन जिसे हम बोलते हैं वो चीज नहीं मिल पाती। ये देखो, ये थ्री सिलेंडर में डिफरेंस अपन को मिलता है गाड़ी चलाते वक्त यार। इसमें ऐसा ना ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, गाड़ी अच्छी चलती है, लेकिन यार ये छोटी छोटी कमियां है ना थ्री सिलेंडर में, लाजमी है, हर गाड़ी में मिलती है। और 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 89 पीएस वाला पेट्रोल इंजन जो टाटा ने बनाया है, रेवोट्रॉन इंजन, उसमें ये चीज बढ़िया है, ये चीज तो मिलेगी। लेकिन फेज टू है गाड़ी, उसके बाद में ये चीज अच्छी मिल रही है कि भाई इसकी ओवरऑल जो मतलब ओके वाला पैकेज मिल जाता है। इससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको बिल्कुल रिफाइंड मिलेगा और उसमें आपको मतलब मजा, ठीक है ना, रिफाइनमेंट की कमी मिलेगी, लेकिन भाई मजा आपको पूरा आएगा इसमें भगाने में। देखिए स्टीयरिंग का रिस्पांस, और जो स्टीयरिंग का जितना घुमाते हैं उतना मतलब वो फीडबैक देता है, स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा मिला इसमें गाड़ी में अगर बात करें। पर एक शिकायत में टाटा से हमेशा रहेगी मेरे को यार, ब्रेकिंग मेरे को उतनी अच्छी या उतनी क्विक नहीं मिल पा रही है। ठीक है, डिसेंट ब्रेकिंग कहा जा सकता है इसको, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, मैं कहीं ना कहीं मेरी खुद की गाड़ी से कंपेयर करने लग रहा हूँ इसीलिए। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी गाड़ी, अच्छा पैकेज मिल जाता है। ये बिल्ड क्वालिटी की वजह से हो सकता है कि ये गाड़ी ज्यादा मतलब इस तरीके से बिहेवियर कर रही है। सो ये सारी बातचीत है इस गाड़ी के साथ में। और हैंड ब्रेक यार मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगी है। देखो यार ये देखो, अब टाटा की सर्विस के इश्यूज मैं बताता हूँ। ये देखो, कैप घुमा दिया, गुम हो गया, वापस किस रीजन से खोला, वापस कैप नहीं मिला, ये मैं बताता हूँ। दूसरा टाटा का इशू मैं बताता हूँ, यहाँ देखो रिवर्स गियर लगाया, कैमरा नहीं चल रहा। जो ओनर है ये चीजें नहीं बताई, ओनर ने क्या है कि पैसे ले लिए थे ऑटो प्राइम टाटा से, लगता है ऐसा है मेरे को, पीछे दिखाओ, लगता है ऐसा है मेरे को। देखो जो दिक्कतें हैं वो बताई नहीं है भैया ने, कैमरा ऑफ किया हुआ है, बाकी सही है। ऑफ कर रखा आपने, कैमरे का बटन कहाँ है ये बता दो। नहीं नहीं, मेरे को ऑन करके दिखा दो, आप मेरे को ऑन करके दिखा दो टाटा वालों। ऑन करेंगे, दो तीन दिन में करेंगे ऑन। तो ये बात है कि आपको अगर प्रॉब्लम्स चाहिए तो टाटा में छोटी 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 आती हैं। तो ये बात है, ये मतलब मेजर कोई पॉइंट नहीं है, ये आ जाती है, एक इलेक्ट्रॉनिकली फॉल्ट हो सकता है टू बी ऑनेस्ट, और यहाँ पे कोई ऐसे हंसने वाली बात नहीं है, ये चीज है। सो ओवरऑल ये सारा एक्सपीरियंस है, माइलेज इसमें बहुत कम दिख रहा है, इकोनॉमी जब नीचे गिर रही है तब भाई पता चल रहा है कि हाँ यार 12 का एवरेज दे रही है, जब लेके आए थे 12.4 दिखा रही थी, अभी 12 का एवरेज दिखा रही है, क्योंकि अपन ने पूरी तरीके से टेस्ट किया इस गाड़ी को। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।